आज डिस्कस करेंगे प्रोल गवर्नर के बारे में। जो प्रोल गवर्नर है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और वो कैसे वर्क करता है। तो जो प्रोल गवर्नर है वो पोर्टर गवर्नर की तरह ही इसकी वर्किंग होती है, सिमिलर है जो पोर्टर गवर्नर की तरह है। बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है इसकी वर्किंग के अंदर कि इसके अंदर यहाँ पे देखिए ये जो लोअर आर्म है, ये लोअर आर्म है, ये भी लोअर आर्म है, ये इसको हम अपर आर्म बोल देते हैं। तो जो ये लोअर आर्म की एक्सटेंशन है उनके साथ हमने ये मेटलिक बाल्स लगाई हैं। ये बाल्स हैं जो मेटल की बनी हुई हैं, ये बाल्स हैं। तो ये जो मेटलिक बाल्स हैं ये लोअर आर्म की एक्सटेंशन पे जुड़ी हुई हैं। तो ये एक्सटेंशन बढ़ा के यहाँ से यहाँ पे जो ये यहाँ तक थी लोअर आर्म, इसको हमने बढ़ा के इसके साथ जो मेटलिक बाल्स हैं उसको जोड़ दिया गया है। बाकी जो इसकी सारी चीज़ें हैं पोर्टर गवर्नर की तरह ही है, वर्किंग भी पोर्टर गवर्नर की तरह ही है। ये सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इसके अंदर एक्ट करेगी जैसे पोर्टर गवर्नर के अंदर करती थी जो हमने डिस्कस किया था। देखते हैं इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो ये हो गई दो बाल, मेटलिक बाल्स, जो लोअर आर्म की एक्सटेंशन पे हमने लगाई हैं। ये है अपर आर्म, ये बीच वाला है स्पिंडल, ये स्पिंडल है जो कि रोटेट करेगा इंजन की पावर लेकर, मीन्स इंजन शाफ्ट से कनेक्ट है। तो इंजन शाफ्ट से ये गियरिंग ट्रेन के थ्रू कनेक्ट होते हैं ताकि जो इंजन की स्पीड है और इसके बीच में एक रेशो बना सके जिससे ये स्पिंडल रोटेट करे। तो जब ये स्पिंडल रोटेट करेगा तो यहाँ पे इसके सेंटर में एक वेट भी रखा हुआ है, इसलिए इसको डेड वेट लोडेड गवर्नर भी बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर भी बोलते हैं, डेड वेट लोडेड गवर्नर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे डेड वेट लगा हुआ है, ये है स्लीव। ये स्लीव क्या काम करती है? स्लीव जब मोशन लेती है तो अप और डाउन का मोशन लेती है, अप और डाउन का ये मोशन लेती है। तो अप और डाउन का मोशन कैसे लेती है? जब ये रोटेट करेगा स्पिंडल, जब ये स्पिंडल रोटेट करेगा जो बीच वाला है, अब इसके साथ ये जो लोअर आर्म है इसके साथ हमने एक्सटेंशन करके ये दो मेटलिक बाल्स लगाई हैं। तो जब ये हाई स्पीड पे रोटेट करेगा स्पिंडल तो ये जो मेटलिक बाल्स हैं ये बाहर की तरफ एक्सटेंड होंगी, मीन्स बाहर की तरफ खींचेंगी जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी। तो ये हमने कुछ डॉटेड में दिखाई है कि बाहर की तरफ ये ऐसे सीधा होने की कोशिश करेंगी जब ये हाई स्पीड पे रोटेट करेगा। तो जैसे ही ये सीधा होने की कोशिश करेंगी तो ये जो लिंक है ये इस वेट को, जैसे ही ये बाहर की तरफ जाएंगी तो ये वेट भी अपर डायरेक्शन की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि जो स्लीव है ये भी ऊपर की तरफ जाएगी। जितनी ज़्यादा तेज़ी से ये घूमेगी उतनी ये मेटलिक बाल बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगी जो कि होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। जो भी ये फोर्स लगाएगी तो वो जो फोर्स है वो स्लीव को ऊपर उठाएगी, जब ऊपर उठाएगी तो वेट भी इसके साथ ऊपर जाएगा। अब ऊपर और नीचे दो स्टॉप्स लगाए गए हैं, ये S1 और ये S2, ताकि जो ये स्लीव है वेट के साथ अप और डाउन जो हमारे एक लिमिटेड जाए, ज़्यादा ऊपर ना जाए और ज़्यादा नीचे ना जाए, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये स्टॉप्स लगाए गए हैं। उसके साथ जैसे ही स्लीव मूव होगी उसके साथ ही लिंक मैकेनिज्म लगाया गया है, ये लिंक मैकेनिज्म लगाया गया है, इसको बेल क्रैंक लीवर भी आप बोल सकते हैं। तो ये लिंक मैकेनिज्म हमारा कनेक्टेड होता है थ्रोटल वाल्व से, थ्रोटल वाल्व से कनेक्ट है। तो थ्रोटल वाल्व का काम क्या है? वर्किंग फ्लूड की सप्लाई को रेगुलेट करना। जो वर्किंग फ्लूड है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जब ये जाता है तो इसकी सप्लाई को रेगुलेट करना। अब जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, हाई स्पीड है, तो ये थ्रोटल वाल्व हमारा, अगर हम हाई स्पीड की बात करें, हाई स्पीड की बात करें तो ये बोल्स बाहर की तरफ आएंगी और ये वेट ऊपर की तरफ जाएगा। तो हाई स्पीड है तो क्या होगा, ये थ्रोटल वाल्व जो है वो क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्लोज होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, जो वर्किंग फ्लूड की सप्लाई है वो कम हो जाएगी। अगर एक से दो की बात करें तो एक से जो सप्लाई ज़्यादा जा रही थी तो वो कम जाएगी दो के पास, मीन्स आगे हमें इंजन के पास अगर पहुंचानी है तो वो कम जाएगी। तो इससे क्या होगा, इंजन की जो मेन स्पीड है वो मेंटेन हो जाएगी। तो अगर इसका रिवर्स लें कि जैसे लो स्पीड हो जाए, इस स्पिंडल को हम कम, जो इंजन की शाफ्ट है अगर उसके ऊपर लोड ज़्यादा आ गया है तो स्पीड उसकी कम हो गई तो क्या होगा, स्पीड
स्पीड कम होगी तो ये बॉल्स अपनी पोजीशन दोबारा लेनी स्टार्ट करेंगी। जैसे जैसे स्पीड कम होगी तो ये इस डायरेक्शन में मूव करना दोबारा से स्टार्ट करेंगी, और जो ये वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट करना स्टार्ट करेगा स्लीव के साथ। जब ये नीचे की तरफ आएगा तो थ्रोटल वाल्व जो है, अगर हम लो स्पीड की बात करते हैं, थ्रोटल वाल्व ओपन हो जाएगा। तो थ्रोटल वाल्व ओपन होगा तो वर्किंग फ्लूड की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो जैसे वर्किंग फ्लूड की सप्लाई, जैसे ही ये ओपन होगा तो वर्किंग फ्लूड की सप्लाई बढ़ जाएगी, और उससे क्या होगा कि जो हमारी मीन स्पीड है वो दोबारा से मेंटेन कर लेगा। तो कम स्पीड और ज़्यादा स्पीड जब हम इसकी होती है तो वो उसकी मेन स्पीड को मेंटेन करने के लिए गवर्नर यूज़ करते हैं। तो ये कैसे मेंटेन करता है? वर्किंग फ्लूड की सप्लाई से। वो थ्रोटल वाल्व को ओपन करता है या क्लोज करता है अकॉर्डिंग टू स्पीड के डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको ओपन क्लोज करता है, और जो हमारा वर्किंग फ्लूड है वो इंजन के पास जाता है और उसकी स्पीड को मेंटेन रखता है। तो ये है प्रोल गवर्नर। इसके अंदर सिर्फ यही डिफरेंट था पोर्टर गवर्नर से अगर ले, कि जो लोअर आर्म है उस पर एक्सटेंशन करके मेटेलिक बाल्स लगा दी गई है। और पोर्टर और प्रोल गवर्नर में डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर जो इसकी इक्विलिब्रियम स्पीड है प्रोल गवर्नर की रिड्यूस कर देता है। प्रोल गवर्नर जो है इक्विलिब्रियम स्पीड इसकी कम होती है, मीन्स ये जल्दी गेन कर लेता है, तो बहुत ही सेंसिटिव है। अगर हम सेंसिटिवनेस की बात करें तो सेंसिटिव बहुत है ये, अगर हम पोर्टर गवर्नर से इसका कंपैरिजन करते हैं तो सेंसिटिव है, एकदम से रिएक्ट करता है तो सेंसिटिव है। और जो अगर मेटलिक बाल्स की बात करें इसकी, तो सेंसिटिव होने के कारण अगर हम सेम रिजल्ट चाहते हैं पोर्टर और प्रोल के, तो ये जो मेटलिक बाल्स है, अगर हम पोर्टर जो हमारा गवर्नर था उसी के सेम वेट की बॉल यहाँ यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा सेंसिटिव होगा अगर हम उससे कंपेरिजन करें पोर्टर से। लेकिन अगर हम इन बाल के साइज़ को छोटा कर दें, बाल के साइज़ को छोटा कर दें, मीन्स कम मास का कर दें, तो क्या होगा, तो वो हम उनके बीच में कंपैरिजन एक रिलेशन बना सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि उतनी ही स्पीड पे उतने ही वेट पे, तो यहाँ पे जो बाल्स हैं प्रोल गवर्नर के अंदर स्मॉल साइज़ की यूज़ हो सकती हैं, कम साइज़ की यूज़ होंगी अगर पोर्टर गवर्नर से इसका कंपैरिजन करते हैं। तो ये था प्रोल गवर्नर। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।